मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान सामने आ गया है। उमा भारती ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा था, अगर वो इतने ही लोकप्रिय थे तो अपना चुनाव क्यों हार गए। उमा भारती ने कमलनाथ के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है, जब मोदी जी की लहर चली अच्छे अच्छे चुनाव हार गए, राहुल गांधी भी चुनाव हार गए और आज उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। उमा भारती कहती हैं, लोकसभा चुनाव को तो देखो ही मत, मोदी के सामने अब कोई नहीं टिक सकता, इसलिए लोकसभा चुनाव के आधार पर किसी की राजनीतिक शक्ति का आंकलन नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव में एक ही राजनीतिक व्यक्ति की शक्ति चलती है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने में सिंधिया बहुत बड़ा कारण थे। सिंधिया के साथ नौजवानों का हुजूम था। कांग्रेस नेता जो बार बार और लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहते हैं, उन नेताओं के बयान पर उमा भारती भड़क गई और उमा भारती ने कहा, जिस आधार पर ये आरोप लगते हैं वो इतिहास की बातें होती हैं। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो बहुत से लोगों की देशभक्ति संदेह के घेरे में खड़ी होती है, इसलिए हम आज की स्थिति का आंकलन करें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीढ़ी का आंकलन करें। 3 पीढ़ी में सिंधिया जी की मां राजमाता सिंधिया एक महान महिला थी, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। सिंधिया की जमकर तारीफ करते हुए उमा भारती ने कहा, वो बहुत बड़े देशभक्त नौजवान हैं, मुझे तो वो प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में भी जगमगाएंगे और भारत में भी। उमा भारती एक वक्त पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनकी तलखी हर जगह चर्चे बटोरती थी, लेकिन सिंधिया के भाजपाई हो जाने के बाद उमा भारती ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफों के पुल बांधते हुए कई बार सुनाई पड़ी हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।